सब्सक्राइब करें डॉक्टर मासूम करीम चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें लेटेस्ट अपडेट के। मैं डॉक्टर मासूम करीम, आपको मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में बताएंगे गॉल स्टोन के बारे में। गॉल ब्लैडर स्टोन जो होता है हमारे शरीर में, उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। उदय सर्जरी में सर्जरी करे बिना हम उसको कैसे बाहर निकल सकते हैं, या कौन सी होम्योपैथी मेडिसिन जो सबसे इफेक्टिव मेडिसिन है। साथों साथ गॉल ब्लैडर स्टोन में स्टोन होने के कारण कौन सी समस्या है, कौन सी दिक्कत हमारे शरीर में आता है, उसके बारे में कुछ बातें बताएंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि मेरे रोजाना इस तरह की हेल्थ रिलेटेड और नॉलेजेबल वीडियो हमेशा डालते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, गॉल ब्लैडर स्टोन जो हमारे शरीर में होते बनते हैं, ये कोलेस्ट्रॉल और ग्लूटामेट दोनों पदार्थ से दोस्तों हमारे शरीर में जो है ये गॉल ब्लैडर स्टोन बनते हैं। तो दोस्तों, गॉल ब्लैडर स्टोन जो गॉल ब्लैडर जो हमारे शरीर में एक ऑर्गन है जो लिवर के नीचे रहता है, तो ये जो काम करते हैं ये बायो को स्टॉक करते हैं। साथों साथ दोस्तों, हम जब ज़्यादा खा लेते हैं, हम जब ज़्यादा पी लेते हैं, तो उस टाइम दोस्तों ये जो है बाइल को निकलने में ये जो है मदद करते हैं। तो गॉल ब्लैडर में जो है कभी कुछ हालत होता है कि कुछ हार्ड मेटल जाके वहाँ पर जम जाते हैं और हमारे जो गॉल ब्लैडर में वो स्टोन बन जाते हैं। तो दोस्तों, गॉल ब्लैडर में स्टोन बनने के कारण बहुत ज़्यादा जो है दर्द होता है, इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन के कारण दोस्तों कुछ टाइम देखा जा सकता है बहुत ज़्यादा जो है हमें दर्द महसूस करना पड़ता है। कुछ टाइम तो देखा जा सकता है गॉल ब्लैडर में जो है पथरी तो रहते, लेकिन मैक्सिमम जो तो दोस्तों 80% लोगों को पता नहीं चलता है कि उसका जो है गॉल ब्लैडर में पथरी है, तो उसको पता नहीं चलता है। लेकिन जब भी वो गैस एसिडिटी के कारण पेट में दर्द होता है या डॉक्टर के पास जाते हैं और सोनोग्राफी कराते हैं, तो उस टाइम पता चलता है कि गॉल ब्लैडर में पथरी है। तो दोस्तों, ये जो कुछ तो गॉल ब्लैडर में जो पथरी हमारे बनता है, ये सबसे ज़्यादा कारण होता है दोस्तों कोलेस्ट्रॉल के कारण जो है सबसे ज़्यादा हमारे गॉल ब्लैडर में पथरी बनते हैं। दूसरा जो कारण होता है, वो ज़्यादा हम ऑयली खाना खा लेते हैं, तेल में भजा हुआ खाना हम ज़्यादा खा लेते हैं। साथों साथ नॉन वेज खाना को हम ज़्यादा खा लेते हैं, और डायबिटीज़ के कारण भी देखा जा सकता है आजकल जो है वो गॉल ब्लैडर में पथरी का या पित्ती पथरी का ज़्यादा बनने के चांसेस होता है। प्रेगनेंसी वुमेन को भी दोस्तों आजकल बहुत ज़्यादा पित्ती पथरी हो रहे हैं। साथों साथ दोस्तों जो है ओबेज, अगर आप बहुत ज़्यादा मोटे हैं, मोटापे के कारण भी दोस्तों आजकल जो है पित्ती पथरी बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों, आप बताएंगे पित्ती पथरी के कारण कौन सी समस्या होता है, इसका साइन और सिम्टम्स क्या है। दोस्तों, पित्ती पथरी के कारण जब भी आप बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा जो है आपको जो पेट दर्द होना शुरू हो जाता है, बहुत ज़्यादा पी लेते हैं, उसके कारण भी दोस्तों बहुत ज़्यादा जो है पेट में दर्द, या दोस्तों साथों साथ दोस्तों पूरा जो है राइट साइड में शोल्डर तक दोस्तों बहुत ज़्यादा पेन होता है कुछ टाइम। ये पेन जो है लगभग 30 मिनट से लेकर 3 घंटा तक भी कभी कभी कुछ टाइम रह जाता है। साथों साथ दोस्तों देखा जाता है 1-2 दिन तक नहीं रहते पेन, फिर से वापस आता है, फिर से बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बहुत ज़्यादा जो है ख़राब लगते हैं। तो उसको जो है इसी कारण जो है बहुत ज़्यादा दर्द होने के कारण दोस्तों हमारे शरीर से जो है गॉल ब्लैडर स्टोन को निकालना बहुत ज़रूरी है। इसके कारण बहुत सारी समस्या और भी शरीर में होता है। दोस्तों, आप बताएंगे कि कौन सी होम्योपैथी मेडिसिन जो है गॉल ब्लैडर को निकालने में बहुत अच्छी मदद करते हैं। दोस्तों, सबसे ज़्यादा यूजफुल मेडिसिन है बरबरिस भलगरिस। दोस्तों, बरबरिस भलगरिस आप क्यूब में मदर टीचर फॉर्म में लीजिए, ये बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। अब दिन में आपको जो 3 मरतबा लेना है, 20 बूंद करके आधा कप पानी के साथ डॉक्टर रेक वाइक की, अगर ये बरबरिस भलगरिस आप लेंगे तो बिल्कुल दोस्तों आपको जो है लगभग 2 महीने से 2.5 महीने तक लेंगे तो आपको जो है पित्ती पथरी को निकालने में ये बहुत अच्छे मदद करते हैं बरबरिस भलगरिस। दोस्तों, दूसरी जो मेडिसिन हम यूज करते हैं वो है कोलेस्ट्रिनम। दोस्तों, कोलेस्ट्रिनम 3x फॉर्म में लीजिए, ये आप 2-2 टैबलेट करके आप दिन में 3 बार चूसिए, ये जो बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है आपको पित्ती पथरी निकालने में, ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन और बहुत अच्छे काम करते हैं।
साथ साथ दोस्तों लाइकोपोडियम लीजिए। लाइकोपोडियम जो है दोस्तों बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। लाइकोपोडियम से आपको बहुत ज़्यादा दर्द रहते हैं पेट में, बहुत ज़्यादा तेजी से दर्द होता है तो उसके कारण और पथरी को बनने से रोकती है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम दोस्तों बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों चौथी जो मेडिसिन हम यूज करते हैं वो है चाइना। दोस्तों चाइना बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर पितरी पथरी को आप रोकना चाहते हैं, पितरी पथरी बनने से बिल्कुल परहेज करना चाहते तो चाइना लीजिए। साथों साथ दोस्तों पितरी पथरी को जो है निकालने में चाइना बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, बहुत अच्छे काम करते हैं। दोस्तों और एक मेडिसिन है चेलिडोनियम। दोस्तों चेलिडोनियम जो है ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, आप लीजिए इसका जो है चेलिडियम। अगर आप डॉक्टर हैं तो आप इसके साइन और सिम्टम्स देखिए, कौन सी साइन और सिम्टम्स में कौन सी मेडिसिन सबसे यूजफुल होता है और आप उसी मेडिसिन को आप यूज कीजिए। दोस्तों और एक मेडिसिन आता है मेड इन जर्मनी की डॉक्टर रेगोए की R18। दोस्तों 18 नंबर ड्रॉप जो है ये चाहिए गोल ब्लैडर में पथरी हो या किडनी में हो, दोनों केसेस में दोस्तों R18 ये बहुत ही अच्छे इफेक्टिव मेडिसिन है। मैं पिक्चर लगा दूँगी हर एक मेडिसिन का, आप देख सकते हैं ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन R18 बहुत अच्छे काम करते हैं पित्ती पथरी को निकलने के लिए और आपके जो है पित्ती जो हमारे गल ब्लैडर होता है उसको बहुत अच्छे रखने के लिए, बहुत क्योर करने के लिए दोस्तों R18 बहुत अच्छे काम करते हैं। तो ये कुछ मेडिसिन थे दोस्तों जो मोस्टली सबसे में ज़्यादा जो मेडिसिन हम गोल ब्लैडर के लिए देते हैं वो देते हैं लाइकोपोडियम। दोस्तों साथ साथ बारबरिस बल्गरिस बहुत इफेक्टिव मेडिसिन और R18 देता हूँ, ये बहुत ज़्यादा बहुत अच्छे काम करते हैं पित्ती पथरी को निकलने के लिए। अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं मुझसे पित्ती पथरी को निकलने के लिए तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन के नीचे में नंबर दिए गए, आप मुझसे जरूर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं या डायरेक्टली कॉल करके पूछ सकते हैं। आपको साइन और सिम्टम्स बताइए क्या क्या लक्षण आपके शरीर में, मैं बिल्कुल आपको जो है मेडिसिन बता दूंगी और आप जाइए और लीजिए, बिल्कुल जो है आपको जो पित्ती पथरी ठीक करने में बहुत अच्छे इफेक्टिव मेडिसिन है होम्योपैथी और आपको जो सर्जरी किए बिना जो है आपको ये बहुत अच्छे मदद करते हैं पित्ती पथरी निकलने में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। तब तक के लिए आप खुश और मस्त रहिए।